बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद समरीन में मैं हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही टेस्टी बादामी खीर, जो बहुत ही मज़े की बनती है। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हम ये चावल हैं, एक प्याली चावल थे, मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो लिया तो ये थोड़े फूल गए हैं। इसको मैं मशीन में हल्का सा जो है घुमा लूँगी, ताकि हम वो इसलिए कि ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े घोटने में। अगर हम ऐसे डालेंगे तो वो भी सही है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और एक प्याली चीनी है, बादाम है आधी प्याली, एक कंडेंस मिल्क है, इसमें से आधा जाएगा आधा रोक लेंगे, और 4-5 इलायचियां हैं, और ये इलायची का एसेंस है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पास है तो डाल दें वरना इसको स्किप कर दें। ये तकरीबन 2 किलो दूध है, मैंने इसको बॉयल कर लिया है, और इसमें मैं ये इलायचियाँ डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी सी तोड़ के। तकरीबन 5 इलायचियाँ हैं, इसमें मैं डाल दूँगी। और ये जो हमने चावल मैंने आपको दिखाए थे, इस चावल को मैं मशीन में हल्का सा घुमा लूँगी और फिर मैं ये डालूँगी। मैंने ये चावल हल्के से मशीन में घुमा लिए हैं, ये बिल्कुल बारीक नहीं पीसे, ये मोटे मोटे हैं। इनको मैंने इसमें 4-5 बादाम भी डाल लिए थे, 10-12 बादाम डाले थे मैंने इसमें, वो भी पीस गए हैं। ज़रूरी नहीं है आप पीसें, अगर आपके पास टाइम है और आप इसको बना सकती हैं, घोट सकती हैं घोटनी से, तो आप वैसे भी चावल डाल सकती हैं। मैंने ये चावल आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने पीस लिए हैं, ये सारे चावल इसमें चले जाएंगे। इसमें हम चमचा चलाएंगे, इसमें हम थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाएंगे, ताकि ये चावल बीच में ना लगे, अगर हम गुठलियाँ बन जाएंगी अगर हम चमचा नहीं चलाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसमें हमने चमचा चलाना है। तकरीबन इसको मैं अभी 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे पकाऊंगी, जब ये गाढ़ी हो जाएगी फिर हम इसमें अपनी चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन आधे घंटा मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मैंने पकाया है, हमारे चावल गल गए हैं और हमने इसको जो है ना इस तरह चमचे से जो है घोट लिया है, ताकि हमारे मुँह में चावल मोटे मोटे ना आए। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, पहले हम 6 टेबल स्पून डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 टेबल स्पून हमने चीनी डाली है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, उसके बाद ये जो हमने कंडेंस मिल्क लिया था एक प्याली, ये डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे, आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे, इसलिए कि नीचे अगर ये एक दफ़ा नीचे लग गई खीर तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसको अब हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे, मिक्स करने के बाद चीनी पानी छोड़ेगी अपना, और मीठा चेक करेंगे। फिर हम बादामी खीर है तो हम इसमें बादाम डालेंगे खूब सारे, थोड़े से बचा लेंगे। अगर आपके पास ये इलायची का एसेंस है तो आप डाल दें, और अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दें। बिल्कुल ज़रा सा जाएगा, बिल्कुल 1 या 2 ड्रॉप्स बस खुशबू के लिए। इसको हम मिक्स करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसको 10 मिनट रखेंगे, 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा चीनी और कंडेंस मिल्क जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, और हमारी खीर तैयार हो गई है। इसकी तैयारी का ये इस तरह पता चलेगा हमें, ये देखें छोटी छोटी सी फुटकियाँ बन रही हैं ना, ये जो छोटी छोटी सी बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी खीर बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई पानी नहीं है, बिल्कुल सही हो चुकी है, बन चुकी है। मीठा भी मैंने चख लिया था, बिल्कुल सही है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें हम इसको, ये बादाम मैंने रखे थे, इसे गार्निश करेंगे। बादामी खीर है तो इसमें हम बादाम ही डालेंगे, पिस्ते नहीं डालेंगे।
ये देखें हमारी बादामी खीर तैयार है। 2 किलो दूध, 1 प्याली चावल भिगो के हमने इसको, और 1/6 टेबल स्पून हमने चीनी डाली, और 1/2 प्याली कंडेंस मिल्क की डाली थी। मीठा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हिसाब से है 2 किलो दूध के। और ये पिस्ते बादाम हमने पिस्ते नहीं डाले, हमने सिर्फ बादाम डाले हैं। हमारी खीर तैयार है, बहुत ही टेस्टी है। इसको आप अपने घर में बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।